ये देखिए बाइक लेके जा रहे हैं ऊपर चढ़ाने, देखिए ये जा रहे बाइक, चल भाई चल 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 चल, तेरी कसम तेरी। कितना किलोमीटर है? और एक भाई एकदम बंदर की तरह देखे कितना भाई मेरे, जब मुझे कहीं निकलना होता है कहीं जाना होता है तो ऐसा हाल होता है मेरा ही कि मैं टाइम से निकल नहीं पाता हूँ। हर चीज को मैनेज करना, उसे कंप्लीट करना, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं मतलब कुछ घर पे मतलब कोई चीज़ टाइम से मेरा नहीं हो पाता है। सोचा था कि हम 7 बजे तक घर से निकल लेंगे, 7 तो बज चुके हैं लेकिन अभी कोई चीज़ मतलब ही हमारा जो साथ में ले जाने वाला सामान है मतलब कंप्लीट नहीं है, हो रहा धीरे धीरे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइडर रूपी 47 में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मुझे जाना है आज नेपाल, हम हैं शोएब हैं और 2 बंदे और हैं, तो आज पूरा दिन मतलब हम नेपाल विजिट करेंगे। नेपाल में 2-3 जगह काफ़ी अच्छा अच्छा है, खूबसूरत जगह है पहाड़ में, तो वहाँ पर चलते हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद में हम आज दिखाते हैं आप लोगों को। इससे पहले हम कुछ सामान अपना ढूंढ लें, हमारा लाइसेंस हुआ, हमारा इंश्योरेंस हुआ, हमारा RC पेपर हुआ, ये सब चीज़ पता नहीं कहाँ रखा है, पता नहीं मुझे, काफ़ी दिन से मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि लोकल जब चलना होता है तो मैं लेकर चलता नहीं हूँ। तो उससे पहले देखते हैं यहाँ पर एक शर्ट देख लें, क्योंकि हम शर्ट ज़्यादा तो पहनते नहीं हैं, हमारे पास जो भी है टी शर्ट है तो सोचते हैं कि शर्ट भी यार कभी कभी हम डाल लिया करें। और एक बार बता दें कि अगर वीडियो लंबी होती भाई तो देखिएगा जरूर यार, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है बहुत मेहनत वाला है और काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि पहाड़ों में चलना खतरनाक भी साबित हो सकता है। खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, देखते हैं सब कहाँ रखा है, पहले देख लें हम। शोएब और शोएब अली और एक बंदा और है, तो वो लोग जुड़ी कुया में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ा सा खाना पानी तैयार हो जाए, क्योंकि नेपाल में हम जल्दी खाना नहीं चाहते, कहीं खाते हैं लेकिन हर जगह नहीं खाते हैं। तो सोचते थे कि पूरा दिन ही मतलब रहना है वहाँ पे, उसके बाद में तो घर ही से कुछ मतलब पराठा और बाकी चीज़ जो कुछ होता है उसको ले लेंगे, तो रास्ते में कहीं भी खा लेंगे, बाकी चाय पानी है तो कहीं भी पिया करेंगे। ये वाली शर्ट जो है ये हम 1 साल पहले लेके आए थे, 1.5 साल, लेकिन एक ही बार मैं पहना हूँ। थोड़ा सा ये लॉन्ग है और थोड़ा मतलब ढीला है, डबल एक्सल का, इसलिए नहीं पहनता था, लेकिन आज पहनेंगे। बता तुझको क्या चाहिए, जो शर्ट पहना था वो नहीं पहना हूँ, दूसरा पहन लिया हूँ। तो भाई साहब यहाँ से चलते हैं, वाकई में यार मैं जो सामान जहाँ रख देता हूँ तुरंत भूल जाता हूँ। हेलमेट ढूंढ रहा था काफ़ी देर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला मंजिल को कामयाब बनाए, सफ़र आसान करे। आज मौसम जो है ना बहुत ज़ोरदार है और इस मौसम में ट्रेवल करने का मज़ा ही कुछ और है। नेपाल में क्या होता है चलकर देखते हैं भाई। तो यहाँ पर जिसलिए हम रुके थे RC पेपर के लिए, तो RC पेपर उसने भाई ने दिया भाई को, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए बाकी जो हमारे साथ जाने वाले हैं सब बाइक पे अपने सवार है, बस निकलना बाकी है। चलिए भाई हम लोग भाई नेपाल में इंटर कर चुके हैं और गाड़ी का जो परमिट होता है वो परमिट भी हमने करवा लिया भंसार, बस 1 डे का। अगले दिन में हम कहाँ तक जा पाते हैं और कहाँ कहाँ आप लोगों को भी मतलब विजिट करा पाते हैं अपनी वीडियो में। तो काफ़ी दिनों के बाद में हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो मतलब 2018 में गए, उसके बाद में अभी तक नहीं गया, तो आज हम वही जगह को विजिट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कृष्णनगर नेपाल है। अभी यहाँ से भालूबाग 27 किलोमीटर है, ये जगह है बनकसबा का। ये नेपाली लोग जो है ना ये अपनी बाइक जो है कम से कम 55-60-65 की स्पीड में निकालते हैं पहाड़ में भी, और हम भी मतलब कभी कभी चला लेते हैं, लेकिन चलाना ठीक नहीं है क्योंकि गाड़ी सामने से कब आ जाए कोई पता नहीं है। ये देखिए ऐसे ही भैया मोड़ पे बस निकलती है यार,
तो यहाँ पर हमारे भाई साहब लोग रुक गए थे हमारा वेट करने के लिए। तो हमारे साथ में जो भाई लोग आए भाई, उन लोगों को फोटो का बहुत शौक है, तो जहाँ पर अच्छा व्यू देखते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और अपने बाद में फ़ोटो शूट करवाने लगते हैं। काफ़ी फ़ोटो इस जगह पर हमने शूट किया है। ये पहाड़ों के बीच में काट कर रास्ता बनाया गया है जो काफ़ी खूबसूरत है, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। और हमारी बाइक वहाँ पर खड़ी है और यह पीछे देख सकते हैं भाई लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करवा चुके हैं। और मैं रास्ता भी दिखा रहा हूँ कि इसी जगह को देख कर ये देखिए, ये बीच में पहाड़ को काटा गया है, उसके बाद में यह रास्ता बनाया गया। तो ये भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों को, तो बोले कि भाई यहाँ पर रुकना है, फ़ोटो शूट करना है, उसके बाद में तो फिर निकलना है। तो आप लोग भी देख सकते हैं इसका नज़ारा। बाकी यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे, ये देखिए नीचे वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है। क्या बात है यार भाई, जब भी मैं पहाड़ों में पहुँचता हूँ कुछ अलग ही मतलब फील होता है मुझे, लेकिन करें तो क्या करें, बस ऐसे अचानक प्लान बन जाता है तो चले आते हैं। अरे भाई मेरे, अगर फोटो हो गया हो तो भाई यहाँ से निकले, बहुत लंबा सफ़र तय करना है यार। तो ऐसे ही मतलब भाई लोग एंजॉय करते चल रहे हैं। वहाँ से काफ़ी लोकेशन अच्छा दिख रहा था इसलिए हमने किया और फिर यहाँ से निकल रहे हैं। अभी आगे तो और अच्छी अच्छी जगह आपको देखने को मिलेगी। और ये सब टूरिस्ट लोग हैं, देखिए बैठे हैं यहाँ पर, अपना आराम कर रहे हैं, काफ़ी दूर से आए होंगे। और भाई मेरे, देखिए भैया ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे क्योंकि एक हाथ से बाइक का हैंडल और दूसरे हाथ में मोबाइल अपना, तो जहाँ पर मौका मिलेगा वहीं पर वीडियो शूट कर पाएंगे। जगह का नाम है थानपुरा, तो देख सकते हैं अभी थानपुरा बहुत अच्छा। बहुत देर चलने के बाद में तो यहाँ पर हमने भाई लोगों को रोक दिया है कि थोड़ा सा यहाँ का भी व्यू का मज़ा लीजिए और इस जगह का आनंद ये देखिए, कितना खूबसूरत जगह है यार, सोच नहीं सकते कि आप कहाँ पर आ गए हैं। देखिए नेपाल की बकरियाँ, नेपाल की बकरियाँ। यहाँ से आगे भैया निकल रहे हैं। हाँ भाई, भालू बाग अभी भी यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर और है। और ये जो ब्रिज आपने देखा है, ये ब्रिज राप्ती नदी से मिला मिलता है, यहाँ से इंटर होता है भालू बाग में, यानी देवघर जिसे हम देवखरी कहते हैं, वहाँ पे रुकना चाहिए था, रुके नहीं तुम लोग। और ये है भाई साहब राप्ती नदी, जो इंडिया में आप बलरामपुर में देखते हैं राप्ती, ये वही राप्ती है। और ये भालू बाग सिटी है देखो, और इस नदी का नज़ारा भी हम आगे चल कर दिखाएंगे, काफ़ी जोरदार लगेगा, वहाँ पर हम लोग नहाएंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। देखिए कैसा लगा भाई, तो आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह का नाम है भालू बांग। और हम लोग आगे तक अभी जाएंगे और आगे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन पूरा विजिट नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को। बाकी शोएब भाई और शोएब अली दोनों लोग निकल चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा दें आप लोगों को बाइक कैमरे से। भालू बांग का देख लीजिए नज़ारा ही। तो यहाँ पर हम लोग रुके भाई, क्योंकि प्लान हम कुछ दूसरा कर लिए थे कि सोचा था चलेंगे प्यूठान साइड में, लेकिन आज जुमा भी है, नमाज भी पढ़ना है, तो हम लोग आधे रास्ते से जाकर वापस आ गए हैं। हमने सोचा पता नहीं उधर कहीं मस्जिद मिले कि ना मिले, नमाज़ पढ़ पाएँ कि ना पढ़ पाएँ, चलने का इससे अच्छा है कि चलिए पीछे। तो यहाँ पर रुके हैं, जो खाना ले कर आए थे साथ में घर से खाएँगे और खाने के बाद में फिर उसके बाद में आगे निकलेंगे हम, तब तक यहाँ का व्यू देख लीजिए। तेरी कसम तेरी राहों में आकर हम तो जमाना भूल गए। ये है भाई नज़ारा इस तरह का। और यहाँ पे रखा हुआ है रोटी। भाई लोग गए थे पानी लेने के लिए, मोटा भाई।
भाई अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ लेके आया था हम लोगों ने खा लिया, लेकिन ये दो पराठे बच गए हैं, दो लोगों ने खाया नहीं। अब बताइए, इसको वापस मुझे बैग में डालना पड़ेगा, फिर घर ले जाना पड़ेगा और बकरियों को खिलाना पड़ेगा। अगर कम पड़ जाता ही तो कहते कि पेट ही नहीं भरा है ना। देखो पेट मेरा खा लियो भाई, बराबर खाया, अल्लाह का शुक्र है। अब 3.5 पराठा हम खाए हैं, 3.5 पराठा ये खाई है, और ये दे लो भाई सोए वाली और सोए कमर। हमने काव खाए, हम नहीं खाई। आओ भाई, जोन भी खाया हो ठीक है, चलो पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र है। अब हम लोग मस्जिद ढूंढने जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए भाई, इसीलिए हम लोग वापस आ गए वहाँ से। चलिए माशाल्लाह हम लोगों को मस्जिद मिल गई है और मस्जिद में पहुँच गए, नमाज पढ़ेंगे। तो भाई लोग सब आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए वजू बनाने जा रहे हैं, और ये मस्जिद है अंदर। तो अब जाके भाई नमाज खत्म हुई है, चल रहे हैं चौराहे की तरफ। अब लगा था कि बारिश की असली वजह मिली, मौसम एकदम से पूरा जबरदस्त बन गया है, जब बारिश का जो मौसम है ना, ये मौसम चेंज होने के बाद। हाँ भाई सुरमा कहाँ हो यार, चलो ले पानी वानी कुल। ये हमारे भाई सुरमा है हमारे गांव के, देखिए सुरमा भोपाली। हम कहीं तक कहाँ निकल गए थे, घूमने जा रहे थे। ये हमारे जमीर भाई का दुकान है, कुर्सी हवा। ये है नेपाल का मानसून भाई, देखो तुरंत बारिश आती है तुरंत निकल जाती है, मजा आ गया कसम से, ठंड ठंड हवा। तो पहाड़ों का बारिश इसी तरह से होता है भाई, बस थोड़ी देर बरसेगा उसके बाद में पूरा एकदम मौसम साफ। हम लोग चाह रहे थे कि पानी में भीगेंगे थोड़ा मजा आएगा, देखिए सब आ रहे हैं पीछे एकदम। जय अब भाई, एक बार और हम यहाँ पर आ चुके हैं, और उस टाइम मैगी खाया था, इस टाइम चाय पियेंगे यहाँ पे। वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने भैया को गाड़ी दे दिया है, ये देख सकते हैं, और ये ड्राइव कर रहे हैं। बाकी आप नेपाल के गांव का मजा लीजिए। मेरे ख्याल से इधर से गया है, इधर गए हैं, देखो टायर में है कि इधर गए हैं बता दे मुझे, तो किधर जाओ जाए। जान शहर में अनजान लोग, अब बताइए गाड़ी कैसे चलाएं और किधर जाएं किधर ना जाएं। भाई लोग अपना निकल गए आगे और हमको छोड़ गए पीछे, वो आ रहे हैं। तो टायर का जो मतलब निशान होता है, उस निशान के हिसाब से हम लोग जा रहे थे। यार हम लोग पीछे में रह गए, टोरे आगे निकल गए, और अगले बाद में हम कहें कि क्यार निकल गए, टेंशन हो जाता है जब क्यार जाई। अब देखो ये लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे हैं, चल रहे हैं हम भी, और झूले वाला पुल वहाँ पे दिख रहा है, 1 किलोमीटर में है, वही दिखाने लेकर चल रहे हैं। अरे यहाँ तो रोड बना है यार, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम से, बहुत पूरा चलावट है भाई, टाइगर हुआ यार। बस यही तक रोड खत्म, नदियाँ तो गई भाई। तो यार आपकी नदी, ये है झूला वाला पुल, जबरदस्त है यार भाई कसम से, और झूला वाला पुल भी काफ़ी बड़ा है, 1 किलोमीटर में है शायद। वहाँ पे देख सकते हैं बाइक लेकर बीच में खड़े हैं लोग, जेसीबी खड़ी है कि जा रही है यार। गड़िया ही खड़ी हुई का नहीं, तो चलो ठीक है, देखा तो रे बाप रे बाप भाई, बाइक से आ रहे हैं ऊपर। जो लोग आते हैं इस झूला वाले पुल पर घूमने के लिए, मात्र एक ही दुकान है ये, वाह भाई वाह, जीने वाला बना है यार ये। इसका मतलब जो लोग आए थे पचपड़वा से ही, वो इसी पुल पर आए थे, और यही ब्रिज है। और हम लोग भटक रहे थे कहीं और सिंगल पर्सन आ जा सकते हैं बाइक से। चलो पहुंच गए ऊपर हम, एक के बाइक निकल सकती ना इसी,
ना यार दी बाइक निकल जी आराम से, लंबा है यार राप्ती नदी। अच्छा जी, जब बहस हुई पूरा एकदम से बहस हुई ना फुल, तब तो कुल पानी पानी दिख रहा था बलरामपुर में यार, देखे भाई। अरे अरे अरे, ये जो बाइक वाला आ रहा है ना, ये पीछे रुक गया था कुछ फोटो शूट करने के लिए। आ जा, आ जाओ भाई। ये झूला वाला पुल करीब 3 से 4 पिलर पर खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, इतना सपोर्टिंग अगर ना होता तो शायद ये रुकता भी नहीं, क्योंकि ये कम से कम 1 किलोमीटर में है। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी झूला का पुल ही नज़र आएगा। तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से धारा जो है मतलब बहुत तेज़ चल रहा है पानी का। भाई लोग आ रहे हैं उस गाँव से इधर। तेरी कसम तेरी राह में आकर हम तो जमाना भूल गए। सब लोग यहाँ भैया फोटो शोटो कर रहे थे, देखिए कोई जगह मत छोड़ना भाई, सब बनवा लेना। इस झुलनिया पुल का सारा मजा लेकर यहाँ से चल रहे हैं दूसरी तरफ, और आप लोगों ने भी देखा होगा काफ़ी अच्छा लगा होगा ये जगह। तो जिन भाई को यहाँ पर आना है वो आ जाए भालूबांग, और भालूबांग से किसी से भी पूछ लीजिए कि भैया राप्ती वाला जो झुलनिया पुल है ही हमें वहाँ जाना है, बस आकर पहुँच जाएंगे आप। हमें तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे 7:30 बजे बंद हो जाए चाहे 5 ही बजे बंद हो जाए, अगर जाना है तो जाना है। भाई साहब, संघत से हर चीज़ होता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज का जो साथ है हमारा बहुत अच्छे लोगों का साथ है। अभी तक कोई नमाज मिस नहीं हुआ है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, नहीं तो ज़्यादातर मैं असर और मगरिब या जोहर या असर मैं कजा ही पढ़ता था। तो अभी हम लम्हे में हैं, लम्हे से निकलते हैं सीधे गरबा होकर, तो निकलते हैं यहाँ से। लम्हे से निकल लिए भाई, और यही 3-4 किलोमीटर पर एक जगह पड़ता है गरबा, तो गरबा में रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे, उसके बाद में तो फिर आगे निकलते हैं। हमारे गांव के लोग रहते हैं काफ़ी वहां पे, तो उनसे मुलाकात करना है और चाय पानी पीना है। गरबा कितना किलोमीटर है? गरबा 4 से 5 किलोमीटर है, चलते रहो मजे लेते रहो। हाँ, चाय किया जाएगा। सफर तन्हा। ये दूसरा ब्रिज है राप्ती नदी का भाई, देख सकते हैं आप, क्योंकि एक तो झूला वाला पुल था तो वो तो हमने दिखा दिया, और ये ब्रिज बना हुआ है देख सकते हैं, पुराने जमाने वाला सिस्टम जो है। इसी जगह का नाम है गरबा, हमारे गांव के लोग यहां पे रहते हैं, और चलते हैं अभी हम आप लोगों को भी मिलाते हैं, तो यहां पर रहकर वो भंगार वंगार वाला काम करते हैं। भाई साहब कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि हम पहुंच गए जंगल में और जंगल से फिर वापस जा रहे हैं गरबा। हमारे गांव वालों का जो दुकान था ही वो दुकान हमने कहीं पर मिस कर दिया, देख नहीं पाया, आगे निकल आए, तो वापस अब फिर जा रहे हैं उधर ही, और कहीं पर उतर चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद में तब फिर वापस आएंगे, तब जाएंगे। पहला बात यहाँ से भी 23 किलोमीटर और बाकी है, बाकी पूरा रास्ता एकदम पहाड़ी है, पहाड़ में चलना पड़ेगा। ये बढ़िया चाय पियेंगे भाई, पूरा गरबा हम छान मारेंगे। हमारे गांव के लोग यहाँ रहते बताइए क्या हन, बहुत बूढ़े के बाद मतलब जाए मुलाकात हुआ है, सब यहाँ पर लग गया है चाय पिलाई के बाद निकाल दिया। देखो 1 घंटा समय और बचा है, पहाड़ वाला रास्ता जनते हैं कौन में कराते हैं, पूरा देख सकते हो अपन चौराहा। हम ही भाई कठिनाए, हम ही पास है, हम नए हैं। चलो गरबा से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, और पहाड़ों का रास्ता आप समझ सकते हैं कि किस तरह का होता है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम गुजार दिया, जो भी टाइम लगा गरबा में लगा ढूंढने में, आने जाने में, जंगल से वापस होने के बाद फिर पहुँचे, मिले, चाय पानी पिया। आप ये देख सकते हैं घुमावदार रास्ता काफ़ी अच्छा है, जंगल है, अब जंगल क्रॉस करने के बाद में फिर मुझे पहाड़ी इलाका मिलेगा, तो फिर देखते हैं पहाड़ों में कितना टाइम लगता है। वैसे तो 1 घंटा टाइम अभी बाकी है, 1 घंटे में हम पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए।
इस जगह की अगर हम बात करें ही तो भाई काफी बेहद खूबसूरत है। और एक भाई एकदम बंदर की तरह देखे कितना ऊपर चढ़ा जा रहा है, ये जबरदस्त सीन यार, क्या बात है यार, कसम से पूरा बंदर समझो इसको। तो यहाँ पर हमारे शोएब भाई रुके थे थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, तो हम भी रुक गए भाई, हम पीछे काफी थे, तो हमने कहा कुछ यहाँ के बारे में आपको हम बता दें, उसके बाद में यहाँ की खूबसूरती आपको हम दिखा दें। भाई बहुत जोरदार का सीन है, ये देख सकते हैं, अरे बाप मजा आ गया भाई। कुछ भी हो, आज का दिन समझ लीजिए कि जबरदस्त था। ये देखिए बाइक लेके जा रहे हैं ऊपर चढ़ाने, देखिए अभी दिखा रहे हैं, लेके जा रहे बाइक, चल भाई चल 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 चल, देखा जाएगा, चल निकल दे। सारा बैग हमारे बाइक पे भाई लाद दिए, देख सो किस तरह से। और यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी हो रहा है, शोएब भाई बाइक पे फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये भाई देखिए फिर से आ रहा है, देखिए बंदर की तरह, देख भाई आराम से आना, आराम से। हाँ ये आ गया, देखिए बहुत आराम से भाई, आराम से यार, देखिए उधर मत जाए यार भाई। तो आप लोगों को हम बता दें कि आज का दिन जो था हम लोगों के लिए जबरदस्त था और काफी एंजॉय मिला, बहुत मजा आया आज। और यहाँ से भी कोयलाबास करीब 13 से 14 किलोमीटर और बाकी है, उसके बाद में हम लोग इंडिया में इंटर कर जाएंगे। आए थे दूसरे रास्ते से, जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, भाई लोग सब तैयार है, बस एक फोटो थंबनेल के लिए हो जाए, बस काम ओके हमारा। रोड देख लीजिए कितना बढ़िया है, और इधर का भी देख लीजिए ये। तो भाई वीडियो भले लंबी हो गई है यार, देखना जरूर पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। कोयलाबास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी देखो हो सकता है कुछ देर रुकना पड़े, या नहीं रुकेंगे तो सीधे निकल लेंगे घर के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका है भाई। आओ कह रुका हो, ठीक ठीक आओ आओ। अरे बाप रे, चढ़ी ना है इसलिए तो खींचो, तो खींचो। और एकदम से भैया शाम हो चुकी है, जंगल भी है, जंगल को भी क्रॉस करना पड़ेगा, तो इधर हमारे वाला जंगल जो है इसमें जानवर वानवर रहते हैं, देखिए क्या होता है। लास्ट जो मगरिब की नमाज है हम लोग कोयलाबास में अदा करेंगे, और उसी जगह पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर लोग आते हैं, झूला वाला पुल कोयलाबास देख सकते हैं आप। और इस मस्जिद की तामीर हो रही है फिर से, पहले पुराना वाला मस्जिद था, माशाल्लाह बढ़िया है, बहुत जल्द बन के तैयार होगा ये भी। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं, और आज की जो हमने राइड की है 184 किलोमीटर की हमने राइड की भाई। तो आपने देखा वीडियो में मतलब कहां कहां हमने विजिट किया, कहां कहां गए, वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। फिर ऐसे किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर चलेंगे कहीं दूसरी ओर और दूसरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से अपने काम पर।